हेलो गाइस, अगर आप ऐसा मोबाइल ढूंढ रहे हो जो आपको 8000 रुपये तक की कीमत में मिल जाए, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा मोबाइल ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा मोबाइल ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेगा, तो आप एकदम सही वीडियो पर आ गए हो। मैं आपके लिए ऐसे 5 मोबाइल लेकर आ गया हूँ जो 8000 रुपये की कीमत में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होंगे। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मेरा नाम है साहिल टिलवानी और टेकटॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने रिसर्च की है और उसमें मैंने मेन फीचर्स जो रखे हैं, उसमें आपको मिनिमम 32GB रोम और 2GB की रैम देखने की मिल जाएगी। साथ ही में आपको एक G25 या G35 तक का एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और एक अच्छा कैमरा 13MP तक का और फ्रंट 5MP तक का देखने को मिल जाएगा, और 5000mAh की एक बड़ी बैटरी भी देखने को मिल जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं कौन से 5 मोबाइल है जो ऐसे हैं जो 8000 रुपये की कीमत में बहुत बेस्ट है। तो 5th नंबर पर जो फ़ोन आता है उसका नाम है Redmi 9A। ये आपको 7500 रुपये की कीमत में मिल जाएगा। इसमें आपको 3GB रैम, 32GB रोम देखने को मिल जाएगी, G25 का एक प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, आपको इसके अंदर 13MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, 6.53 इंच की एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और साथ ही में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। ये 7500 रुपये की कीमत में बहुत अच्छा फ़ोन है। इसमें आपको 3GB रैम और 32GB रोम देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम बात करें, मैंने इसको 5वें नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर आपको पहली बात कोई भी टाइप का टाइप सी स्लाइडर सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, और साथ ही में इसमें बैक पे आपको सिर्फ एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, और साथ ही में इसमें MIUI आती है, यानी कि MIUI में एक प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे फालतू के प्री इंस्टॉल ऐप्स होते हैं, और साथ में फालतू की बहुत सारी एड्स देखने को मिलती है जो बहुत इरिटेट करती है, इसलिए मैंने इसको 5वें नंबर पर रखा है। बाकी ये बहुत अच्छा फ़ोन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4th नंबर पर जो मैंने फ़ोन रखा है उसका नाम है Realme C11। इसमें आपको 2GB रैम, 32GB रोम देखने को मिल जाएगी, और इसमें आपको G35 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो 5000mAh की बैटरी और 13MP बैक कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। ये मोबाइल बहुत अच्छा मोबाइल है, इसमें कोई कमी नहीं, इसमें पीछे की तरफ डुअल कैमरा देखने को मिलेगा। अब मैंने इसको 4th नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि पहली बात तो इसमें आपको रेडमी से ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको G25 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा था, इसमें आपको G35 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें कमी जो है, ये भी 7500 रुपये की कीमत में ही मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको 3GB रैम नहीं, सिर्फ 2GB रैम देखने को मिलती है। ये एक इसकी कमी है। बाकी Realme UI में Redmi UI से थोड़ी सी कम एड्स देखने को मिलती है और थोड़े से कम प्री इंस्टॉल ऐप्स देखने को मिलेंगे, तो ये भी कुछ अच्छा ही है इसकी, जो इसको 4th नंबर पर रखवा देता है। बाकी ये मोबाइल अच्छा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बात करें तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर मैंने रखा है Infinix Smart 4 Plus को। यह आपको 8000 रुपये का मिल जाएगा। इसमें आपको 3GB रैम, 32GB रोम देखने को मिलती है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा है कि इसमें आपको पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, एक 13MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो इसमें फ्रंट कैमरा भी आपको 8MP का देखने को मिल रहा है, 6000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और 6.8 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इस प्राइस रेंज में ये सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले है, इसलिए मैंने इसको 3rd नंबर पर रखा है। लेकिन जो इसमें मेन कमियाँ हैं वो ये है कि इसमें आपको Infinix का UI देखने को मिलेगा, XOS। इसमें बहुत सारी फालतू की एड्स, बहुत हद से ज़्यादा एड्स होती है, और बहुत सारे फालतू के प्री इंस्टॉल ऐप्स होते हैं जो परेशान करते हैं। बाकी इस मोबाइल में कोई कमी नहीं है, ये मोबाइल भी अच्छा है। तो जो 2nd नंबर पे मैंने फ़ोन रखा है उसका नाम है Poco C3। ये आपको 8000 रुपये की कीमत में मिल जाएगा। इसमें आपको 3GB रैम, 32GB रोम देखने को मिल जाती है, और अगर हम बात करें इसमें 13MP का एक रियर कैमरा देखने को मिलेगा। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है बैक की तरफ, और फ्रंट में एक 5MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें इसमें आपको डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में 6.52 इंच की एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, और 5000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। इसमें जो खास बात है वो ये है कि इसमें पोको क्लीन एक्सपीरियंस बोलता है, यानी कि कोई फालतू की एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलेगी, तो ये थोड़ा सा अच्छा है उस हिसाब से। तो बाकी इसमें भी आपको पीछे की तरफ कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिलेगा, और इसमें भी आपको कोई टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिलती है, तो ये कुछ कमियां थी इसकी भी। बाकी ये मोबाइल बहुत अच्छा है, इस रेंज में बहुत अच्छा फ़ोन है। तो 1st नंबर पर जो फ़ोन आता है उसका नाम है Micromax IN1B।
ये बहुत ही शानदार फोन है। यानी कि अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर जो पोको C3 था और अगर हम बात करें माइक्रोमैक्स इन1 भी जो फर्स्ट नंबर पे, इन दोनों के अंदर रात दिन का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि माइक्रोमैक्स 8000 रुपये की कीमत में 4GB रैम और 64GB रोम देखने को मिल जाएगी, जो और किसी मोबाइल में नहीं है इस रेट के अंदर। और अगर हम बात करें साथ ही में आपको इसमें हीलियो G35 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 6.53 इंच की एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा 5000mAh की बैटरी के साथ में। और इसी में साथ में स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी कि कोई फालतू के प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स नहीं, कोई फालतू की इसके अंदर आपको एड्स नहीं देखने को मिलेगी। और इसमें साथ ही में आपको एक गूगल असिस्टेंट बटन देखने को मिलेगा, जो एक खासियत है इसकी। इस रेट के अंदर ये मोबाइल बहुत ही शानदार है, इसमें लगभग तक कोई कमी नहीं है देखा जाए तो इस रेट के अंदर, क्योंकि सबसे अच्छा ही माना जा रहा है। क्योंकि फ्रंट कैमरा भी इसमें 8MP का है, बाकी दूसरे मोबाइलों में 5MP का है, बैक कैमरा भी 13MP का है, तो ये अच्छा ही है मोबाइल, इसमें कोई कमी नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मोबाइल ज़्यादा पसंद आया और आप कौन सा मोबाइल खरीदने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।